Hello everyone, welcome back to Supremo classes. I hope you are safe and healthy. And in this video, I am going to discuss. लेटर अर्बिट्रेशन केस दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट केस एंड दिस इज द फर्स्ट केस जो एक फर्स्ट मामला था जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से संबंधित कानूनों के विकास की नींव रखी सो दिस इज अ वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो फॉर यूर एग्जामिनेशन सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड एंड विदाउट वेस्टिंग यूर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो इट इज़ द फर्स्ट केस विच लेड द फाउंडेशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू एनवॉर्मेंट इंटरनेशनली तो ये फर्स्ट मामला था जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण से संबंधित कानून के विकास की निवर रखी द ट्रेल्स मेटर डिस्प्यूट वॉज अ ट्रांसबाउंड्री पोल्यूशन केस इनवॉल्विंग द फेडरल गोवर्मेंट्स ऑफ बोथ कैनडा एंड द यूनाइटेड स्टेट तो ये विवाद तो ये विवाद एक सीमापार प्रदूषण था जिसने कैनडा और यूनाइटेड स्टेट्स जो दोनों ही संघीय सरकारें शामिल थी Facts of the case, the at the trail in British Columbia, Canada in 1896, zinc and lead were smelted in large quantities. In 1906, the Consolidation Mining and Splitter Company Limited of Canada acquired the smelter plant at trade. Sulphur dioxide smoke from the uh, smelter emitted from the plant. इन लार्ज क्वांटिटीज इन द टेरिटरी ऑफ कैनडा स्प्रेड टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कॉजिंग डैमेज देर इज अ कैपेबल ऑफ स्प्रेडिंग फ्रॉम कॉन्टीनंट टू एन ऑदर एंड फ्रॉम वन प्लेस टू एन ऑदर तो ये जो कंपनी थी कॉन्सुलटेटिंग माइनिंग एंडस्मुलेटर कंपनी इसमें जस्त और शीशे जो है जो बड़ी मात्रा में पिघलाया गया था इसकी वजह से इसमें से क्या निकला जो सल्फर डाइऑक्साइड का धुआं निकल कर वो यूनाइटेड स्टेट्स इज अमेरिका में उसका वो धोवा सेवन माइल्स तक सेवन मिल तक फैल गया दस इट वॉज दैट स्मोक एमिटेड इन लार्ज क्वान्टिटीज फ़ॉर्म्ड एसिड रेन इन लेटर पीरियड एंड थ्रू दैट कॉज डैमेज टू द डिस्टेंस ऑफ सेवन माइल्स इन द टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट कॉज र डैमेज टू फॉरेस्ट एंड क्रॉप इन द सराउंडिंग एरिया एंड आल्सो एक्रॉस द कैनडा यूएस बॉर्डर इन वॉशिंगटन तो जो सल्फर डाइऑक्साइड जो शीशे और जस्त पिकलाया गया था उससे सल्फर डाइऑक्साइड धुआ जो उसका धुआं निकला और वो फै, फैल गया उसकी वजह से एसिड अम्लीय वर्षा हुई और अम्लीय वर्षा के वजह से जो है वहाँ के जो फॉरेस्ट थे फॉरेस्ट क्रॉप्स यूनाइटेड स्टेट कॉज्ड डैमेज टू फॉरेस्ट एंड क्रॉप्स इन द सराउंडिंग एरिया एंड आल्सो अक्रॉस द कैनेडा एंड यू एस बॉर्डर इन वॉशिंगटन द स्मोक फ्रॉम द स्मलेटर डिस्ट्रेस रेसिडेंट और वहाँ के जो निवासी थे उनको भी उससे हानि पहुंची रिजल्टिंग इन कंप्लेन टू कंसोलीडेटेड माइनिंग एंड स्मलेटिंग कंपनी एंड डिमांड्स फॉर कंपनसेशन तो कंप्लेन की गई कंपनी को कंसोलेटेड कंसोलीटेड माइनिंग एंड स्पलेटिंग कंपनी को एंड डिमांड की गई कॉम्पनसेशन को मूवा की डिमांड की गई द जो उनका डिस्प्यूट था वो सॉल्व नहीं हो सका इसलिए रिजल्टिंग इन द केस बीग सेम टू एंड आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल निगोशिएशन एंड रिजल्टिंग लिटिगेशन एंड आर्बिट्रेशन वॉज सेटल इन नाइनटीन फोर्टी वन को ये मैटर फिर सेटल हुआ the canadian government was ordered to pay the united states compensation for the harm. the transmitter caused to the state of washington between 1932 and 1937 the compensation was mostly for the valley of columbia river in the united states. While avoiding this compensation, the principle of seek ateretui et ali non ledus, which means organization enjoy your own property in such a manner as not to injure the right of another, was followed. Subsequently, this maxim was used while developing. कॉम्पन्टरी टूरी स्टूडेंट्स इन जनरल एंड पर्टिकुलरली इन डिसाइडिंग एनवॉयमेंटल रोंगज विच वॉज एडवोकेटेड बाई सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जब ये अवार्ड पास हुआ जब अवार्डिंग दिस कॉम्पन्सेशन कौन से प्रिंसिपल को यूज़ किया गया एन्जॉय यूर ओन प्रॉपर्टी इन सच ए मैनर एज नॉट टू इंजॉय द राइट ऑफ एन ऑदर तो अपनी प्रॉपर्टी का ऐसा यूज़ करे कि उसकी वजह से किसी दूसरे के राइट को इंजुरी ना हो इज इंजॉय योर ओन प्रॉपर्टी इन सच अ मैनर एज नॉट टू इंजॉयर द राइट ऑफ एनोदर इस प्रिंसिपल को फॉलो किया गया एंड दिस मैगजीम वॉज यूज वाई डेवलपिंग कॉम्पन्सेटरी जुरिस्ट्रूडेंस इन जनरल एंड पर्टिकुलरली इन डिसाइडिंग एनवॉयमेंटल रोंग विच वॉज एडवोकेटेड बाय सेवरल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करके मेरे आने वाले वीडियो से अपडेट रहिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो